सीमांचल के किसान बेहद परेशान हैं। पहले बाढ़, फिर मानसून की बेरुखी और उसके बाद सुखाड़ के चलते इलाके में धान की बंपर खेती नहीं हो पाई है, जिसकी भरपाई रबी की खेती से होने की उम्मीद थी। लेकिन इलाके में खाद की किल्लत, नकली बीज और फर्जी कीटनाशक ने रही सही कसर पूरी कर दी है। आइए आज आपको परेशान किसानों का हाल बताते हैं। क्या हुआ है? यही पाउडर डालने की वजह से फसल जो है जल गया। जल गया, बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया, और जिसके कारण कि हम लोग फसल को उखाड़ करके खेत से बाहर कर रहे हैं और दूसरा फसल नया कोई फसल लगाने का, रबी फसल जो है वो लगाएंगे। अब ये तो सीजन खत्म ही हो गया, अब तो बर्बाद ही। कटिहार में मक्का किसान रो रहे हैं। यहाँ पर औने पौने तरीके से मकई खेती करने के बाद गलत कीटनाशक के छिड़काव ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दर्जनों एकड़ एरिया में फसलें सूख कर बर्बाद होने से किसान परेशान हैं। फलका के महेशपुर, राजधानी, सालेहपुर और गोविंदपुर बहियार में मक्का की फसल बर्बाद हो चुकी है। सीमांचल में धान की खेती खराब होने पर सारी उम्मीदें मक्का से थी। लोग बैंक से कर्ज और सोना गहना गिरवी रखकर बड़े उत्साह के साथ मकई की बुआई की थी। उम्मीद के मुताबिक फसलें लहलहा रही थीं, लेकिन अचानक कीट के अटैक ने परेशान किया तो कीटनाशक का छिड़काव कर दिया, जिसकी वजह से सरसब्ज फसलें सूखने लगी। किसानों ने महेशपुर जैसे खुले बाजार से दवाई की खरीदारी की थी। आप लोगों का क्या परेशानी है? परेशानी यही है, मकई लगाए इतना एक बित्ता हुआ, उसको दुकान को बोला कि मकई में कीड़ा लगता है जड़ में जी, तो वो बोला कि ये दवा ले जाइए पाउडर उनको जब खेत में डाला तो मकई सबको गभे टूट टूट को गिरने लगा, जरने लगा, गभा घिसता कोई दम नहीं है, अब होएगा मकई कैसे? तो वो बोला, उसको पूछा तो बोला कैसे बियातिया के खर्चा देगा, खर्चा यहाँ डबल हो रहा है, कैसे होगा नहीं होगा। तो आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से? हम लोग एक क्षतिपूर्ति मांगता है, इतना खर्चा हो गया, खाद दो बीघा में दो बड़ा DAP दिया, एक बड़ा यूरिया दिया, एक बड़ा पोटास दिया, 5 बड़ा बीघा लगाए हैं। खर्चा एक एकड़ में आपको मोटा मोटी कितना? मोटा मोटी हमको 2 बड़ा DAP दिए हैं, 1 बड़ा यूरिया। कुल खर्चा कितना हुआ होगा बीज उज लगा के टोटल? उतने ही अभी जोड़े हैं, तब जोड़ कर। कटिहार के प्रभारी और सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और कृषि वैज्ञानिकों की टीम इलाके में भेजने की बात कही है। उन्होंने इस मामले पर ठोस कदम उठाने का भी आश्वासन दिया है। उधर अररिया के किसान नकली मक्का बीज की बिक्री से परेशान हैं। किशनगंज और पूर्णिया में खाद की किल्लत जस की तस बनी हुई है।